बात विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना पहला अध्याय जीव जगत। और पिछले वीडियो में अपन ने जो वर्गी की सहायक साधन थे वो पढ़े थे कि किस प्रकार हम किसी भी एक जीव को अलग-अलग पदों में रख सकते हैं। तो रखने के लिए हमें जो साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों की चर्चा हमने की थी। आज हम बात करते हैं वर्गी की संवर्ग। वर्गी की संवर्ग क्या है, वर्गीकरण क्या है, सजीवों को उनमें पाई जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर अलग-अलग समूह में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण जो है वो केवल एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रक्रम या बहुत सारे पद इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये क्या इसके अलग अलग पद है। और समस्त वर्गी की पदों के अध्ययन को या समस्त वर्गी की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्गी की संवर्ग। यानी इन समस्त पदों को हम क्या कहते हैं, वर्गी की संवर्ग। किसी भी जीव का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे अलग अलग पदों में व्यवस्थित किया जाता है और समस्त वर्गी की पदों को संयुक्त रूप से वर्गी की पदानुक्रम या वर्गी की संवर्ग कहते हैं। सारे पद मिलकर क्या कहलाते हैं, वर्गी की पदानुक्रम। और वर्गी की पदानुक्रम में व्यवस्थित करना वर्गी की संवर्ग कहलाता है। प्रत्येक संवर्ग की एक इकाई को, प्रत्येक पद जो है वो वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। और एक पद की अगर बात करें हम, तो इसे हम कह देते हैं वर्गक। ये क्या हो गया, 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 वर्गक। ये वर्गक, ये वर्गक और ये वर्गक, और समस्त वर्गकों को मिलाकर क्या कहते हैं, वर्गी की संवर्ग। ठीक है, वर्गी की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन अपन उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। तो मैंने चार उदाहरण आप लोगों के सामने रख रखे हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, जीव जगत की। तो जगत को हमने दो भागों में विभाजित किया, जीवित और अजीवित। तो जीवित, ये भी जीवित, ये भी जीवित, ये भी जीवित। तो जगत क्या हो गया, जीवित या जीव लिख दे एक ही बात है, या जीवित कर दो इसको, ये तो क्या हो गया अपना जगत। उसके बाद में अगर अपन देखिए बात करें किसकी, इसमें सामान्य नाम क्या लिख देता हूं मैं, मनुष्य। यहां सामान्य नाम क्या हो गया, घरेलू मक्खी। ये घरेलू मक्खी का क्या है, वर्गीकरण है। और ये क्या है, आम का वर्गीकरण है। और ये किसका वर्गीकरण है, गेहूं का। ठीक है, सामान्य नाम हो गए। अब आम के वर्गीकरण को देखिए, सबसे पहले मनुष्य के वर्गीकरण को, तो ये कोर्डेटा जगत में आता है। देखिए यहां मैंने संघ और डिवीजन दो नाम लिखे हैं। तो संघ शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं जंतुओं के वर्गीकरण के लिए, और डिवीजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं पादपों के वर्गीकरण के लिए। तो डिवीजन क्या हो गया, कोर्डेटा, वर्ग मेमेलिया, गण प्राइमेटा, कुल होमिनिडी, वंश होमो और जाति सेफियंस। और द्विपद नाम पद्धति में हमने पढ़ा था कि हम इन दो पदों को सम्मिलित करते हैं, वंश और जाति को। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेफियंस है। ठीक है, होमो सेफियंस यानी वंश और जाति के नाम को द्विपद नाम पद्धति में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार घरेलू मक्खी का आपको वैज्ञानिक नाम पता करना हो तो क्या है, मस्का डोमेस्टिका, आम का मेंजीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, नीम का एजारेक्टा इंडिका, कनेर का नीरियम इंडिकम, पीपल का फाइकस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, अलग अलग वर्गीकरण। अभी जैसे देखिए पीछे पाठ के पीछे एक प्रश्न भी दिया हुआ है कि दो पादपों का और दो जंतुओं का पदानुक्रम दीजिए। तो अगर अपन बात करें घरेलू मक्खी का, तो जीव और संघ क्या आ गया, एंथ्रोपोडा, वर्ग क्या आ गया, इंसेक्टा, गण डिप्टेरा, कुल म्यूसिडी, वंश मस्का, जाति डोमेस्टिका। इसी प्रकार पादपों की बात करें, तो अगर आम की बात करें एंजियोस्पर्मी क्या हो गया, डिवीजन। अब यहां संघ नहीं है, यहां क्या हो जाएगा, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। वर्ग डाइकोटिलिडोन या द्विबीजपत्री, और गण स्पिंडेल्स, कुल एनाकार्डियसी, वंश मेंजीफेरा, जाति इंडिका। इसी प्रकार गेहूं की अगर बात करें एंजियोस्पर्मी मोनोकोटिलिडोनी यानी एक बीजपत्री, और ऑर्डर या गण हो गया अपना पोएल्स, और कुल हो गया पोएसी
और टीटिकम हो गया इसका वंश और एस्टिकम हो गया इसकी जाति। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था हम क्या करते हैं, जाति की बात करते हैं। जाति किसे कहते हैं? वर्गी की अध्ययन में एक वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जाति कहते हैं। किसी भी जाति में उसके सबसे समीपस्थ या सबसे जो नजदीकी जीव है उनको रखा जाता है, जिन्हें अकारिकीय विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि मेंजिफेरा इंडिका आम का नाम है, सोलेनम ट्यूब्रोसम आलू का नाम है, पेंथेरा लियो शेर का नाम है। तो इन तीनों के उदाहरण में इंडिका, ट्यूब्रोसोम और लियो ये क्या है, जाति के संकेत है। तो जाति क्या है? जाति उसे कहते हैं जो आपस में अंतः प्रजनन कर सके, ठीक है। और जातियों के समूह को हम क्या कह देंगे, वंश कह देंगे। और वंश के अगर उदाहरण देखें आप तो यहां चार उदाहरण अपने को मिल रहे हैं, होमो, मस्का, मेंजिफेरा, ट्रिटिकम, ये क्या है, वंश के उदाहरण है। अभी देखें एक और उदाहरण देखें, चीता, चीते का वंश क्या है, चीते का नाम पेंथेरा पार्डस है। तो पेंथेरा क्या हो गया, वंश हो गया, पेंथेरा टिग्रेस। शेर का क्या है, पेंथेरा लियो। तो दोनों का वंश एक है लेकिन जाति क्या है, अलग अलग है। लियो और पार्डस या टिग्रिस ये दोनों अलग अलग है। तो ये सभी पेंथेरा वंश में आते हैं लेकिन एक दूसरे से, अब पेंथेरा फेलिस बिल्ली, ठीक है। तो वंश क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, जाति एक है, ठीक है। लियो 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 शेर की जाति है लेकिन वंश क्या है, पेंथेरा। तो पेंथेरा क्या, वंश क्या हो सकता है, समान हो सकता है, जाति क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वंश किसे कहेंगे, जातियों के समूह को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। ये अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा था, कुल वंशों के समूह को कुल कहते हैं। ये एक ऊपर का पद है और ऑर्डर या गण वंशों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, गण कहते हैं, और गणों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को हम क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। इस प्रकार से अपना ये वर्गी की संवर्ग समाप्त होता है और इस प्रकार से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन इस चैप्टर से संबंधित जो पीछे के प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन एक बार कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में न रहे। तो क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार से वर्गीकृत करने से हमें क्या होगा, एक अपना जो अध्ययन है वो सरलता के साथ अपन कर सकते हैं। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? तो वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, वर्गीकरण प्रणाली को इसलिए बदलते हैं क्योंकि जैसे जैसे नई नई डिस्कवरी होती जाएगी उसी प्रकार से वर्गीकरण के जो आधार है वो भी बदलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी, तो जिस कोशिका की खोज हुई थी वो बाद में जब और अधिक माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तो हमें पता चला कि वो कोशिका क्या थी, वो मृत थी। तो जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते जाएंगे तो वर्गीकरण के आधार भी क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। हम उन आधारों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते जाएंगे। जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं तो हम देखते हैं कि संकेत दिए हुए हैं, जैसे ड्रेस है कि कई लोग जो है वो पर्टिकुलर एक ही ड्रेस पहनते हैं या जींस वगैरह पहनते हैं, कुछ लोग साधारण पैंट पहनते हैं, तो इस आधार पे हम उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ लोग प्राय टी शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग शर्ट टी शर्ट, कुछ लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। दूसरा आधार, मातृभाषा के रूप में कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, और प्रदेश, कोई राजस्थान में रहता है, कोई उड़ीसा में, कोई मध्य प्रदेश में, तो ये सब क्या है, उनके आधार हैं वर्गीकरण करने के। और एक आधार उनकी आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। यहां हम जो जीव विज्ञान में बायोलॉजी में जो आधार लेंगे वो क्या हो जाएगा, कोशिका का प्रकार हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, संगठन का स्तर हो जाएगा, सममिति हो जाएगा, इसको अपन आगे चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, तो आपस में जो अंतर संबंधित है उनको हमने जाति के अंदर रखा, फिर थोड़ा डिफरेंशिएशन आया, विभिन्नता आई, तो हमने
वंश का निर्माण कर लिया, और विभिन्नताई तो गण, और विभिन्नताई तो ये क्या हो गए, वर्गीकरण के आधार हो गए। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्यष्टि की पहचान से हमें, व्यष्टि और समष्टि यहाँ क्या है, यहाँ जाति और जनसंख्या शब्द है, इनके थोड़े कलिष्ट हार्ड शब्द दिए हुए, व्यष्टि तथा समष्टि। तो व्यष्टि से हमें वास्तव में एक पर्टिकुलर जीव के बारे में पता चलता है, और जनसंख्या शब्द से उस जीवों के बारे में समस्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में है आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो हमने हिंदी में लिखे हुए पुस्तक में तो वो दोनों ही सही होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये एक अंग्रेजी का क्वेश्चन है, तो अंग्रेजी के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी जीव का नाम लिखते हैं तो ये जो दोनों पद है, एक पद में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है मेंजीफेरा इंडिका, तो दूसरे का जो ये लेटर है ये कैपिटल से दिया हुआ है, तो ये गलत है। वंश और जाति के नाम में से केवल वंश के नाम को ही हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जाति के नाम को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। टैक्सोन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण, तो ये तो क्या हो गए, अलग अलग टैक्सा के उदाहरण हो गए, ठीक है। और टैक्सोन की परिभाषा, वर्गी की पदानुक्रम में या वर्गी की संवर्ग में प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ये अपने सीरीज चलेंगे, कौन से, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, डिवीजन, ठीक है। तो इनमें किसी को पहले लिख दिया, मान लीजिए वंश को पहले लिख दिया, जाति को बाद में लिख दिया, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्रित कीजिए, आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया स्पीशीज की परिभाषा, केवल आपको याद करनी है स्पीशीज या जाति किसे कहते हैं, आपस में अंतः प्रजनन कर सकने वाले समूह को जाति कहते हैं। जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है, तो कुंजी क्या है, ये अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कुछ प्रश्नों का समूह है जिनके उत्तर हाँ या ना में देने के पश्चात हम अगले स्तर पे जा सकते हैं। जैसे यहां बात करें, ये देख लीजिए दो, ये कोर्डेटा है, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो तो क्या हो गया, कोर्डेटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, मान लीजिए अपन ने लिखा रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, पाई जाती है तो वो क्या हो गया, कोर्डेटा, नहीं पाई जाती है तो वो क्या हो गया, नॉन कोर्डेटा। तो इस प्रकार से हम कुंजी जो है वर्गीकरण में सहायता करती है। पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीय के पदानुक्रम का चित्रण कीजिए, ये उदाहरण है और ये वर्गीय के पदानुक्रम का चित्रण है। इस प्रकार से आज हमारा ये पहला अध्याय पूर्ण होता है। इसके बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके मेरे से पुनः पूछ सकते हैं, मैं आपको इनके आंसर आपके कमेंट के जवाब में दे दूंगा। धन्यवाद, कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।